हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको काफ़ी अच्छा इसमें इन्फॉर्मेशन देता हूँ अपने चैनल पे। और फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं कई दिनों से सोच रहा था यहाँ पे अपना नया फ़ोन लेने के लिए। मैं रेडमी का नोट 5 प्रो यूज़ करता हूँ, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, नेट का प्रॉब्लम है और थोड़ा और भी कुछ इशू आ रहा था। इसीलिए मैं सोच रहा था फ़ोन लेने के लिए कोई सैमसंग का अच्छा वाला। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फाइनली यहाँ पे ले चुका हूँ सैमसंग गैलेक्सी M30s। मैं यहाँ पे फ़ोन ले चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, ये फ़ोन आपको कैसा लगता है हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा। और फ्रेंड्स, मैं सोच रहा था काफ़ी दिनों से फ़ोन लेने के लिए, मैं रेडमी का नोट 5 प्रो यूज़ कर रहा था अभी तक। तो फ्रेंड्स, सोचा कि मैं फाइनली ले ही लूँ फ़ोन। तो आपको फ़ोन ये कैसा लगता है हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा। और फ्रेंड्स, इस फ़ोन का मैं कुछ यहाँ पे आपको रिव्यू भी दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसका मैं कुछ स्पेसिफिकेशन भी दिखा दे रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए इसका फुल रिव्यू और स्पेसिफिकेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फाइनली ले चुका हूँ सैमसंग गैलेक्सी M30s फ़ोन। मैं फ्रेंड्स कई दिनों से सोच रहा था एक फ़ोन लेने के। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे आपको इसका कुछ स्पेसिफिकेशन दिखा दे रहा हूँ और अनबॉक्सिंग भी दिखा दे रहा हूँ, तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए दिखा दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे ये मैं इसको इस डब्बे को पहले से ही कट कर चुका था, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका कुछ यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिया गया है। यहाँ पे 6000 mAh बैटरी और इसका ये 6GB और 128GB वाला वेरियंट है। काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी M30s। तो इसका मैं यहाँ पे कुछ दिखा दे रहा हूँ आपको रिव्यू, देख लीजिए। मैं इसको फ्रेंड्स पहले से इसको मतलब ओपन कर लिया था, मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर से ओपन करके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M30s यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये फ़ोन आपको कैसा लगता है मैं नीचे कमेंट कर बताइएगा। मैं फ्रेंड्स काफ़ी दिनों सोच रहा था लेने के लिए, तो इसको रखते हैं यहाँ पे साइड में और मैं आपको बाकी चीज़ दिखा दे रहा हूँ इसमें क्या क्या दिया गया है। इसमें आपको मिल जा रहा है एक टाइप सी चार्जर केबल, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें आपको मिल जा रहा है 15W का चार्जर, यहाँ पे देख सकते हैं 15W का चार्जर मिल जा रहा है। और यहाँ पे 5V और 2A इसमें आपको मिलेगा। तो ये चार्जर है और बाकी इसमें कुछ नहीं है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, और शायद इसमें कुछ है, इसमें कुछ दिया गया है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें दिया गया है, इसमें कुछ वारंटी कार्ड है और इसमें सिम इजेक्टर टूल है, जो कि आप इससे आप सिम को निकाल सकते हैं। तो इसको भी रखते हैं साइड में और यहाँ पर बात करते हैं फ़ोन की। तो फ़ोन में इस फ़ोन का ये जो रैपर है इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसका रैपर भी मैं इसको हटा दे रहा हूँ, तब आप लोगों को अच्छे से दिखेगा। ये रहा हमारा फाइनली फ़ोन, इसको रैपर को रखते हैं साइड में और यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली सैमसंग का M30s गैलेक्सी। तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा लगता है हमें। ये मैं फ़ोन लेने को सोच रहा था काफ़ी दिनों से, तो फाइनली मैं यहाँ पे ले चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 48 MP, यहाँ पे ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है, यहाँ पे 48 MP और इसमें 5 MP का डेप्थ कैमरा और इसमें और भी कुछ दिया गया है। तो मैं इसको फाइनली बूट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये फ़ोन बूट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये 6GB और 128GB वाला वेरियंट है सैमसंग का M30s। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है, आपको नीचे कमेंट कर बताइएगा ये फ़ोन आपको कैसा लगता है। तो इसका मैं ओपन करके भी दिखा दे रहा हूँ इसमें क्या क्या दिया गया है। और इसमें फेस लॉक और रियर फिंगरप्रिंट दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ़ोन यहाँ पे फाइनली ऑन हो चुका है, देख सकते हैं फ़ोन यहाँ पे फाइनली ऑन हो चुका है। तो इसको करते हैं ऑन, यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोन यहाँ पे ऑन हो चुका है। और इसमें आपको दिखा दे रहा हूँ एक सैमसंग का M30s। और स्टोरेज में आपको इसका दिखा दे रहा हूँ कितने वाला वेरिएंट है ये। तो यहाँ पे डिवाइस केयर में आपको जाकर दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं स्टोरेज 108GB इसमें फ्री और 3GB यहाँ पे स्टोरेज में आपको जाकर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 128GB वाला वेरियंट है, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें अवेलेबल 108GB दे रहा है अभी फ़िलहाल। और इसमें आपको मैं रैम भी दिखा दे रहा हूँ कितना है, 6GB वाला रैम है ये।
आप नीचे देख सकते हैं सर्कल में 6 GB। तो फ्रेंड्स ये फ़ोन आपको कैसा लगता है हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा। फाइनली मैंने यहाँ पे परचेज कर लिया था क्योंकि मैं फ्रेंड्स पहले यूज कर रहा था रेडमी नोट 5 प्रो, जो कि उसमें काफ़ी नेट प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए मैं ये फ़ोन लेना था। तो फाइनली मैंने ले लिया है। आपको कैसा लगता है नीचे कमेंट कर बताइएगा। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।